Good afternoon, student. Good afternoon, all of you. Voice clear or not? एक दो स्टूडेंट्स बताइए मुझे. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. वॉइस क्लियर और नॉट? आप ये बताइए वॉइस क्लियर है या नहीं है. चैट बॉक्स से टाइप करके बताइए वॉइस क्लियर है या नहीं. ठीक है, वॉइस क्लियर है. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 5. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 5. आपको पहले चैप्टर 5 का कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए. चैप्टर 4 के अंदर अगर किसी स्टूडेंट्स को सिंप्लीफिकेशन में कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर लीजिए. किसी को कोई डाउट है? ठीक है, जिस भी किसी ने मुझे मेंटल मैथ्स के लिए पूछा है वो मेंटल मैथ्स अभी एक साथ सब चैप्टर के करवाएंगे. मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए आप. ठीक है, मेंटल मैथ्स सभी चैप्टर का मैं रिवीजन के टाइम में एक साथ करवाऊंगी. ठीक है, देखिए आप. ठीक है, मेंटल मैथ्स दीपिका पेज नंबर रिवीजन का क्वेश्चन 3 का भी, क्वेश्चन 3 का भी. ठीक है, रिवीजन मेंटल मैथ्स तो अभी छोड़ देना, वो मैं रिवीजन के टाइम में करवाऊंगी जब मैं रिवीजन सभी चैप्टर्स का करूंगी. रिवीजन टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का भी पूछा है कुछ स्टूडेंट्स ने. क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बार यानी मैनिपुलम भी अप्लाई हो रहा है तो मैं उसको समझा देती हूँ. रिवीजन टेस्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी पूछा है. थ्री का बी पूछ रहे हैं कई स्टूडेंट्स, तो मैं आपको थ्री का बी समझा देती हूँ. ठीक है, थ्री का बी देख लीजिए. करंट सर्किट
31 माइनस 9 प्लस 8। अब इसमें केवल एक ही क्वेश्चन दे रखा है आपके बुक में जिसपे बार लगा हुआ है, बार मैंने वेनिकुलम, ठीक है। प्लस क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ये रिवीजन टेस्ट पेज नंबर 47 का, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं रिवीजन टेस्ट में थर्ड का भी, क्लियर। तो इसमें अकॉर्डिंग टू पॉड मास पहले क्या रिमूव करेंगे, बार या मैनिकुलम, ठीक है। सबसे पहले बार का नंबर होता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, और फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर सॉरी पहला होता है वेनिकुलम यानी बार, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। तो इसमें पहले हम किसको रिमूव करेंगे, बार को, ठीक है। अब बार को जब रिमूव कर रहे हैं तो बार के नीचे जो डिजिट लिखा हुआ है, जो डिजिट लिखा है पहले उसको सॉल्व करेंगे। 31 माइनस 9 क्या होता है बताइए, 31 माइनस 9, सुन रहे हैं मेरे को, सुन पा रहे हैं, वॉइस क्लियर है? हाँ ठीक है, 22, ठीक है। तो आप आपको बार के नीचे जो जो डिजिट लिखा है उसको सॉल्व करना है। 31 माइनस 9 क्या होता है, 22। 22 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 10 कर्ली ब्रैकेट, 15 प्लस 5, ठीक है, क्लियर क्लियर है। अब हट गया बात, अब इसको हटाएंगे स्मॉल ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट है इसका नंबर है, इसको हटाते हैं। अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करो, 22 प्लस 8 क्या होता है, 30, 30 लिख देंगे, 30 डिवाइडेड बाय 10 कर्ली ब्रैकेट प्लस 5, ठीक है। आ रहा है समझ में, स्मॉल ब्रैकेट भी रिमूव हो गया, अब किसका नंबर है, कर्ली ब्रैकेट का। कर्ली ब्रैकेट में के अंदर का सॉल्व करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 5। अब वही अकॉर्डिंग टू पॉड मास पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 15 3 का क्या होता है, 45, 45 प्लस 5 आंसर क्या आ जाएगा, 50। क्लियर स्टूडेंट्स, पूछिए कोई डाउट है किसी को, आप उतार लें इसको, ठीक है। क्लियर, किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, चेक कर लो वापस से रिपीट करो। राइट आंसर, ऑल स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हमारे पास बार यानी मैनिपुलम वाला केवल एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। आपको करने के लिए दूं एक क्वेश्चन, छोटा सा टेस्ट, मैनिपुलम बार वाला एक करेंगे आप टेस्ट का, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से दे दूं। ठीक है, चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन लिखिए।
चलिए एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों के लिए, एक छोटा सा टेस्ट देखते हैं किसको बार यानी मैनिकुलम वाला समझ में आया। चलिए करके बताइए, फुल ऑफ टू फुल नंबर देखते हैं नंबर किसके आते हैं। इसमें सभी कुछ है, चलो जल्दी करें, देखते हैं किसके फुल ऑफ टू फुल नंबर आते हैं। इसमें पूरा बॉड मास का जो रूल है इस क्वेश्चन में पूरा अप्लाई हो रहा है। देखो इसमें बार भी है, इसमें स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, डिवाइड भी है, इसमें मल्टीप्लाई भी है, इसमें एडिशन भी है, इसमें सब्ट्रैक्शन भी है, पूरा फुल फुल बॉड मास रूल लग रहा है। इसलिए आप इसको क्लियर कर लीजिए, इसको मुझे करके बताइए क्या आंसर आएगा। सिर्फ 2 मिनट का टाइम। नेहा अभी तक 1 जने का सही है। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड नेहा, केवल नेहा का सही है अभी तक और किसी का भी नहीं है। क्यों भाई, बार रिमूव करो, फिर स्मॉल ब्रैकेट करो, फिर कर्ली ब्रैकेट करो, फिर बिग ब्रैकेट करो, डिवाइड भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है, इसके जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई बता रखा मैंने, मल्टीप्लाई भी है। ठीक है, आप चाहें तो आप लगा सकते हैं आप यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं होता, मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई का होता है ब्रैकेट से पहले, ब्रैकेट से पहले अगर कोई साइन नहीं हो तो वो मल्टीप्लाई का होता है। डियर स्टूडेंट्स बताइए अभी तक एक का आंसर सही है। नेहा का सही है, भव्या, नकुल, आयुष, लिपिका, अनीश, आर्यन, अभिषेक, प्रियाशी, नव्या, मल्होत्रा, सबका, अब सबका सही है। आप लोग एक दूसरे की चीटिंग तो नहीं कर रहे थे, देख तो नहीं रहे किसी का, किसी में चैट बॉक्स में से देख के आंसर लिख देते हो। ऐसा नहीं करना, नहीं तो आपकी वीकनेस बनी रह जाएगी। ठीक है, वाकायदा आप रफ कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, जो मैं एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ, एक दूसरे का आंसर देखने से आपका लॉस है। अभी तो फर्स्ट आंसर दिया था नेहा ने, यानी उसने अपने आप से किया है, बाकी सब इधर आंसर उसका देख के तो नहीं दे रहे या सॉल्व कर रहे हो वाकायदा। इसका आंसर होगा 11। ठीक है, मैं सॉल्व करके बताऊं, देखो बिग ब्रैकेट 1 प्लस कर्ली ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय, पहले हम बार को रिमूव करेंगे, बार को रिमूव करेंगे तो 7 माइनस 2 क्या होता है, 5, 5 प्लस 5 कर्ली ब्रैकेट डिवाइड 6 और ये बिग ब्रैकेट। क्लियर, अब किसका नंबर है, स्मॉल ब्रैकेट का, 1 प्लस कर्ली ब्रैकेट 6 इनटू स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 5 कितना होता है, 10 कर्ली ब्रैकेट डिवाइड 6 कर्ली, हट गया बार भी हट गया, स्मॉल ब्रैकेट भी हट गया, कर्ली ब्रैकेट का नंबर है 1 प्लस इसके कर्ली ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 60। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, हट गया कर्ली ब्रैकेट भी, फिर 1 प्लस इन दोनों को क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले डिवाइड होता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 11 इज द राइट आंसर। क्लियर, किसी को लिखना है, अगर किसी ने खुद सॉल्व किया है तो उसके लिए तो वेरी गुड है, खुद से सॉल्व किया है उसको तो वेरी गुड मिलना ही चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं, एक और दूं, ठीक है देख लीजिए, एक और कर लीजिए। देखो
चलिए इसको करके बताइए, देखते हैं किस चीज का सही है। कर रहे हैं सॉल्व। किसने पूछ रही है पहले क्वेश्चन के? प्लस एडिशन सबट्रैक्शन से पहले प्लस ही तो होगा। राइट आंसर नेहा, 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 अभिषेक, आयुष, तीनों का सही आंसर है। वेरी गुड नेहा, अभिषेक, आयुष, तीनों का आंसर सही है। और करिए आंसर, और सॉल्व करिए। जल्दी से हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, मल्टीप्लायर्स एंड फैक्टर्स। प्रियांशी सही है, आर्यन, अनीश, अपूर्वा सही आंसर। और बताइए, नव्या, मल्होत्रा, नकुल राइट आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, और बताइए, नव्या, प्रजापति राइट आंसर, लिपिका राइट आंसर। वेरी गुड लिपिका, वेरी गुड नव्या। और बताइए किसको, किसने सॉल्व किया? दित्या राइट आंसर, वेरी गुड दित्या। ठीक है, अब मैं सॉल्व करके बताती हूँ, हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, 20 है, 20 - 5 × चेक कर लेना आप। ठीक है, जिसने सॉल्व किया है, सबसे पहले बार रिमूव करेंगे, तो बार रिमूव करने के लिए 7 + 2 कितना होता है? 9। ठीक है, यो हटा दिया। अब स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, 5 × 9/3 करली ब्रैकेट, और ये आ गया। ठीक है, हटा दिया स्मॉल ब्रैकेट भी। 20 - 5 × 9, अब करली ब्रैकेट का नंबर है, उसमें डिवाइड हो रहा है, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 हट गया। ठीक है, 20 - 5 = 15 हट गया। ब्रैकेट भी 20 - 15 क्या होता है? 5। 5 इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नो प्रॉब्लम। 5 जिसका आंसर है सबका सही है। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर निकालिए आप, मल्टीप्लायर्स एंड फैक्टर्स, चैप्टर 5 निकालिए, पेज नंबर 49। चैप्टर 5 मल्टीप्लायर्स एंड फैक्टर्स। मल्टीप्लायर्स एंड फैक्टर्स, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ये पहले हम पहले आप इसको करेंगे, पहले डिवीजन एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे इसकी? डिवीजन एक्सरसाइज। डिवीजन एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट है, राइट द फर्स्ट मल्टीप्लायर्स, हम प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं। फर्स्ट मल्टीप्लायर्स ऑफ टू, टू के आपको फर्स्ट 5 मल्टीप्लायर्स बताने हैं। हम जैसे क्लास 4th में भी कर चुके हैं, मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं, इसको 5 times 2 की टेबल लिखनी है। कैसे? 2 के लिखने आपको मल्टीप्लायर्स, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5, लाइक दिस। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गए 2 के फर्स्ट 5 मल्टीप्लायर्स। ये हो गए 2 के फर्स्ट 5 मल्टीप्लायर्स। सेकंड क्वेश्चन देख लेना, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, फर्स्ट में बाकी बी सी डी आप खुद करेंगे। अभी हम रिवीजन एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर मैं मल्टीप्लायर्स और फैक्टर्स वापस समझाऊंगी। ये अभी पहले आपको रिवीजन एक्सरसाइज करनी है,
क्लास फोर्थ में जो आप करके आए, ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीप्लायर्स लिख दिए मैंने, 5 मल्टीप्लायर्स, और बी सी और डी आप खुद करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट द फर्स्ट 10 मल्टीप्लायर्स लिखने हैं किसके, 3 और 4 के। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द कॉमन मल्टीप्लायर्स एंड इन सर्कल देम, इनके जो 3 और 4 की पहले टेबल लिख लेना आप, ठीक है, 3 और 4 की टेबल लिख लेना, उसमें से जो कॉमन कॉमन उनको सर्किल कर देना, कॉमन जो मल्टीप्लायर्स है उन दोनों टेबल को ऊपर नीचे लिख करके उनके जो कॉमन मल्टीप्लायर्स है उनको कर देना, फिर फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, तो पहले उनको उनमें से कॉमन लेना, कॉमन में से भी जो सबसे छोटा डिजिट है, कॉमन में से भी जो सबसे छोटा डिजिट है उसको लिख देना, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर पूछ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कौन सा है, जो कॉमन लोगे दोनों टेबल, पहले इसमें से समझ लो, लिस्ट द फर्स्ट 10 मल्टीप्लायर्स यानी 3 की टेबल लिख दोगे, 4 की टेबल लिख दोगे, उसमें से जो कॉमन कॉमन डिजिट है उनको छांट लेना, उन दोनों दोनों टेबल की जो कॉमन डिजिट है उनको सर्किल करके बाहर निकाल लेना, फिर उसमें से भी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर माने उसमें से भी जो सबसे छोटा नंबर है वही आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, लिस्ट ऑल फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 10, मैं 8 एंड 12, मैंने फोर्थ क्लास में भी आपको फैक्टर्स समझाए थे, फैक्टर्स क्या होते हैं, जो 8 और 12 कौन कौन सी टेबल से पूरी पूरी डिविजिबल है, 8 और 12, चलिए करिए, ये पेज नंबर 49 है जो मैं करा रही हूँ ना रिवीजन, पेज नंबर 49, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 3 है, आपको निकालना है फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, यानी वो 8 कौन कौन सी टेबल में आता है, ठीक है, या 8 कौन कौन सी टेबल से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो वो है 1, 2, 4 और 8, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? इसके अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं है। फिर बताना है आपको फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12, 12 के कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन सी टेबल में 12 आता है, 1, 2, 3, 4, 6, उसके बाद सीधे 12, आगे समझ में। उसके बाद आपको बताना है इनके कॉमन फैक्टर्स, कैसे समझते हैं, कॉमन फैक्टर्स, सीएफ माने कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स माने ये जो दो वो डिजिट दो सब में आते हैं ये, ठीक है, तो इनके कॉमन फैक्टर हो गए 1, 2, 4, ये हो गया इसका कॉमन फैक्टर। फिर उन्होंने पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी हाईएस्ट माने इनमें से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 4 इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट, कोई डाउट? ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4, किसी को कोई डाउट है? नहीं है डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको क्वेश्चन क्लास 4th का रिवाइज करवा रही हूँ, क्लास 4th का रिवाइज करवा रही हूँ, उसके बाद हम आगे करेंगे वापस मल्टीप्लायर्स और फैक्टर्स का, ठीक है, अभी क्लास 4th में एक बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ, क्लास क्लास 4th में जो हमने करा था, ठीक है, ये रिविजन एक्सरसाइज है, ये करनी कंपलसरी है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। आगे समझ में, अब है अब क्वेश्चन नंबर 4, ऑल फाइंड द ऑल फैक्टर्स ऑफ 56 आप खुद करेंगे एचडब्ल्यू में, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75, 75 में ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 यानी 75 को ये आपके वो फैक्टर कर लें, ये भी मैंने आपको बताया था फोर्थ क्लास में फैक्टराइजेशन करना, तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं वो आपको करने हैं, तो आपको ये देखना 75 कौन सी टेबल से कट हो रहा है, सबसे पहले 3 से, 2 से हो नहीं रहा, 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 25 25 आपको पता है कौन सी टेबल में आता है, 5 की टेबल में, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5,
ठीक है, इस टाइप से मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था फैक्टराइजेशन करना, और ठीक है, और इसका प्राइम फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 × 5 × 5 × 1, ठीक है, इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिविजन क्वेश्चन नंबर 6 है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 6120 बाय 2, 3, 5, 9, 10। पहले ये बताइए फोर्थ क्लास में आपने डिविजिबिलिटी करी थी या नहीं, कोई स्टूडेंट बताएं। जो आप उसे पूछ रही है उसमें प्लस के लिए क्यों पूछा, क्योंकि प्लस से पहले आपको ब्रैकेट रिमूव करना होता है, एडिशन से पहले हमें सारे ब्रैकेट हटाने होते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछ रही है उससे प्लस से भी पहले हमें सारे ब्रैकेट रिमूव करने पड़ते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट के अंदर क्या चीजें चाहे वो प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो उसको सॉल्व करना होता है। उस टाइम ये प्लस माइनस इसका ध्यान नहीं देते, हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें ब्रैकेट रिमूव करना है, और ब्रैकेट के बाद में ही हमें उसके बाद में ऑफ फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट उनको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो आप पूछ रहे ना कि उससे पहले प्लस क्यों किया, तो बिग ब्रैकेट के अंदर प्लस का डिजिट होगा इसलिए हमने रिमूव किया उसको सॉल्व किया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पहले ये बताइए कोई भी स्टूडेंट, हमने डिविजिबिलिटी करी थी प्रीवियस क्लास में डिविजिबिलिटी, तब तो मैं क्वेश्चन 6 अभी नहीं समझा रही, क्वेश्चन 6 नहीं समझाऊंगी। आपने क्लास 4 में डिविजिबिलिटी पढ़ी थी 2, 3, 5, 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 6 है ये नंबर 49 आपने करा था, यस और नो, डिविजिबिलिटी करी थी या नहीं बताइए मुझे। तब तो मैं अभी इसको छोड़ देती हूँ, मैं डिविजिबिलिटी आपको करवाऊंगी उसके बाद कर रहा होगा, एक बार बता दीजिए कोई भी स्टूडेंट्स आपने डिविजिबिलिटी करी थी या नहीं। डिविजिबिलिटी क्वेश्चन नंबर 6 है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 6120 बाय 2, 3, 5, 9, 5, 9, 10, ये डिविजिबिलिटी करी थी या नहीं करी थी, डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी थी या नहीं, नहीं पढ़ी थी तो ये अभी क्वेश्चन छोड़ देना, मैं डिविजिबिलिटी करने के बाद आपको करवाऊंगी, और आपको करवा चुकी तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। गिव मी आंसर, मुझे ये बताओ डिविजिबिलिटी हमने फोर्थ क्लास में पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, इसका आंसर दीजिए आप, इसका आंसर दीजिए। डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी थी, पढ़ी थी तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है, नहीं पढ़ी थी तो आप छोड़ देना, फिर मैं डिविजिबिलिटी इसी चैप्टर में लास्ट में है डिविजिबिलिटी समझाऊंगी उसके बाद करना, समझ में आ गया। पढ़ी थी अगर आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है, आपको चेक करना है डिविजिबिलिटी 2, 3, 5, 9 और 10 से आपको चेक करना है, अगर आपने नहीं पढ़ी थी तो आप छोड़ देना, फिर मैं डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगी मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बाद, मल्टीप्लायर्स और फैक्टर्स के बाद, तो उसके बाद आप कर लेना ये क्वेश्चन, और अगर हमने पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है, क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। द्वितीया कह रही है पढ़ी थी तो ठीक है, जितने ने भी बताया, दो तीन स्टूडेंट्स कह रहे हैं पढ़ी थी, अगर पढ़ी थी तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है, और नहीं पढ़ी थी तो छोड़ देना आप, फिर मैं अभी इसी चैप्टर के अंदर आगे डिविजिबिलिटी वापस रिपीट हुआ है उसको समझाऊंगी उसके साथ कर लेना, ओके स्टूडेंट्स बाय, आप रिविजन एक्सरसाइज करके ही आना, ठीक है, आपको रिविजन एक्सरसाइज तक करना है आज होमवर्क, केवल रिवीजन एक्सरसाइज करनी है चैप्टर 5 की पेज नंबर 49। एनी डाउट?